हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए स्पेशली ये वीडियो जो है क्लास टेंथ के लिए है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का जो साइंस का सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है उसके बारे में, और साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ प्लानिंग का भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि CBSE ने 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 30% का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो साइंस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ही पढ़ना है। इस साल साइंस में आपको सिर्फ 5 यूनिट का स्टडी करना है, और ये 5 यूनिट का जो स्टडी करेंगे हम आपके लिए एक अच्छा से प्लानिंग लेके आएंगे, जिसके हेल्प से आप लोग उसमें अगर देखेंगे, उस वीडियो को रेगुलर देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका इजीली पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम में। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का, तो फर्स्ट यूनिट का नाम है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है इस साल वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, मतलब कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरली मटेरियल के बारे में। और ये जो डिस्कशन पूरा होगा इस यूनिट में वो आपको एग्जाम में 26 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक इसी तरह से सेकेंड यूनिट का बात करें तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में आप पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, और इसमें 23 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर नेचुरल फेनोमेनन थर्ड यूनिट का नाम है, इसमें हम लोग जनरली नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये 12 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ठीक इसी तरह से यूनिट 4 जो है इफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हम लोग का नेचुरल मतलब जो थिंग्स है वो किस प्रकार से अकर होता है, जैसे करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये एग्जाम में 14 नंबर का आएगा। और सबसे छोटा यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये आप लोग के लिए 5 नंबर का आएगा, जिसमें टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है 80 मार्क्स। देखिए अगर बात किया जाए तो ये साल जो है बहुत ही कम सिलेबस आपके लिए है। अगर आप मन लगा करके अभी से ही साइंस का पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ, तो हम गारंटी कहते हैं कि आपका जो सिलेबस है 2 महीना के अंदर अंदर पूरा साइंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे साइंस का, उसमें आपको करना क्या क्या है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो क्या होगा, आपका यूनिट से रिलेटेड होगा, ये एनसीईआरटी का चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा। मान लीजिए यूनिट 1 अगर हम पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो यूनिट 1 का नाम क्या है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, तो इसके अंदर आपको जितना भी टॉपिक पढ़ना है उस कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो YouTube पर अवेलेबल करवाएंगे। इस वीडियो को देख करके आपको क्या करना है, जो हम बोर्ड पर लिखेंगे उसका नोट्स आपको कॉपी में तैयार कर लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से आप वो क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है। कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका वहां प्रेजेंट रहेगा, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, जिसके हेल्प से आप लोगों का कंप्लीट तैयारी होगा। वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, या तो जो क्वेश्चन आने वाला होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को जब भी हम अपलोड करें तो उसको रेगुलर देखना है, कंटिन्यूसली देखना है, और उसके माध्यम से नोट्स बना के अपना कंप्लीट करना है कोर्स को। इस तरह से आपका जो साइंस का स्टडी होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नंबर भी ज़बरदस्त आएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जा कर के फोड़ दें। ठीक है, इस तरह से आपका साइंस का तैयारी कंप्लीटली हो जाएगा। थैंक यू।